अच्छा, ये कैसी मोहब्बत है? बीच रास्ते में मुझे छोड़ के जा रहे हो? कम से कम अपने लफ्जों का ही ध्यान रखो। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं आप? मैंने कहा ना, मैं अपने दिल के दरवाजे बंद कर चुकी हूँ। ड्रामा सीरियल शिद्दत, इसके नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि इसरा और सुल्तान के तलाक के मामले को फजूल में लटकाया जा रहा है। ड्रामे का एंड कर देना चाहिए अब, लेकिन फिर से वो वही हिसाब। लेकिन ये शुक्र है कि इसरा को अकल आ चुकी है, इसे समझ आ चुकी है कि सुल्तान की मोहब्बत सिर्फ शराब थी और वह इस शराब के पीछे भाग भाग पर अपने पाँव को ज़ख्मी कर चुकी थी। अब मज़ीद ज़ख्म सहने की हिम्मत नहीं है, इसलिए इसे जब ये कोर्ट से ऑर्डर आता है और सुल्तान लेने आता है कि अगर ये दोनों एक दूसरे से बात कर के इस रिश्ते को बचा सकते हैं तो बचा लें। सुल्तान जेंटलमैन बनकर इसरा के घर वालों के सामने अपने लफ्ज़ों के जादू चलाने की कोशिश करता है कि इस तरह से, मैं इसरा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मुझे मेरी बीवी से जुदा मत करें। और वो इसरा को अपने साथ लेकर रेस्टोरेंट जाता है। रास्ते में इससे बात करने की कोशिश करता है कि ज़िंदगी वकील के जिस तरह इसने वकील के सामने भड़के मारी थी कि मेरी मोहब्बत के दो बोल सुनकर वो कटे पतंग की तरह मेरे कदमों में आकर गिर जाएगी। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो अब इसरा जिस इसरा से बात करता है वो सुल्तान की हाथों से निकल चुकी है। वो इसरा से कहता है कि ये कैसी मोहब्बत है, रास्ते में मुझे छोड़कर जा रही हो, कम से कम अपने लफ्ज़ों की लाज तो रखो। जिस पर इतना सख्ती का जवाब देती है इसरा, कहती है इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप? मैंने कहा ना कि मैं अपने दिल के दरवाजे बंद कर चुकी हूँ। जिस पर सुल्तान कहता है तुमने दिल के दरवाजे बंद कर लिए तो मैं बंद दरवाजे पर दस्तक देता रहूँगा। इसरा इसकी तरफ देखकर इसकी तरफ देखकर आंखें फेर लेती है। सुल्तान को अच्छी तरह समझ आ चुकी है कि इसके बहकावे में आने वाले नहीं। रेस्टोरेंट में भी बैठा इसे कायल करने की कोशिश कर रहा है कि तुम मुझे बताओ इसरा कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम खुश हो जाओ। इसरा जवाब देती है आप मुझे छोड़ दें, मुझे मैं खुश हो जाऊंगी। सुल्तान को उम्मीद नहीं थी कि इसरा के इस जवाब की कि तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। जिस पर इसरा जवाब देते हैं कि इस गलत फहमी से निकल आएँ सुल्तान, आप जानते हैं कि ज़िंदगी बदल चुकी है, मैं बदल चुकी हूँ, पहले जैसी इसरा नहीं रही जो आपके इशारों पर नाचती। सुल्तान इसरा का कॉन्फिडेंस देखकर हैरान है, सिर्फ कुछ अरसा इससे दूर रही और इतनी बदल गई। सुल्तान ने तो इसे अपनी मुट्ठी में कर रखा है। वो कहता था दिन है तो इसरा कहती दिन, वो कहता था रात है तो इसरा भी इसकी तरह कहती रात। लेकिन अब ये वो इसरा नहीं कि सुल्तान को लगा कि अब काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसरा पर। इसके घर वालों ने इसका सही ब्रेन वॉश किया है। सुल्तान को अपनी पर्सनैलिटी पर पूरा यकीन था कि वो किसी भी लड़की को सहर ज़्यादा कर सकता है। हसन तो फिर इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार रह चुकी है, सिर्फ कुछ अरसा अपने लफ्ज़ों के जादू चलाएगा और इसरा फिर से इसके कदमों में आकर बैठ जाएगी और यही सुल्तान का कॉन्फिडेंस इसरा को ले डूबेगा। वहीं दूसरी तरफ इसरा जो घर में बैठा सर्वर से बात कर रहा है, कि इसरा तो बिल्कुल बदल चुकी है, इसरा के तलाक के बाद इसे अपनाना चाहता हूँ इसे। वहीं दूसरी तरफ इसरार जो घर में बैठा सरवर साहब से बात करता है कि इसरा तो बिल्कुल बदल चुकी है, इसरा के तलाक के बाद मैं इसे अपनाना चाहता हूँ। इस तरह सरवर साहब हैरान हो के तलाक याफ्ता से शादी, जिस पर इस्लाम कहता है कि तलाक को इतना बड़ा इशू मत बनाइए, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है सरवर भाई। इस पर सरवर साहब कहते हैं कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं, मुआशरा मर्दों का है, तलाक याफ्ता लड़कियों को कोई कबूल नहीं करता है। ऐसे में कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी एक मर्द हूँ, मैं आपको ज़बान देता हूँ, इसरा को तलाक के बाद ये सब कहना नहीं पड़ेगा और ना सहना पड़ेगा, मैं इसरा को अपनाऊँगा, वादा करता हूँ आपसे। और वैसे भी आप सब यही चाहते हैं कि इसरा और इसरार की शादी हो जाए, ये वाकई डिज़र्व करता है, इसरा को मोहब्बत करता है इसरा से, इससे और सुल्तान का अंजाम तो बहुत ही बुरा दिखाना चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, एक कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें देखना